दोस्तों ब्रांड वैल्यू, किसी भी स्मार्टफोन कंपनी के लिए ब्रांड वैल्यू कितनी ज़्यादा मायने रखती है और क्या क्या फ़ायदे हैं उस ब्रांड वैल्यू से कंपनी को, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अचल सिंह राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट गुरु जी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रांड वैल्यू एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसके दम पर वो मार्केट में टिकता है, यूनिट बेचता है, मार्केटिंग करता है और जो अपने नए डिवाइसेस लॉन्च करता है वो ब्रांड वैल्यू के दम पर ही मार्केट में जगह बनाते हैं। तो ब्रांड वैल्यू के नाम पर कभी कभार कंपनियां हमको ऐसी चीज़ थमा देती हैं जिसको हम वाकई में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है ना एक्सेप्ट करने लायक होती ही नहीं है और उसकी जगह पे मार्केट में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद रहती हैं, उनकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है लेकिन हम प्रेफर करते हैं ब्रांड वैल्यू। दोस्तों सैमसंग एक ऐसी कंपनी है, खासकर इंडिया की बात करें, इंडिया के सिनेरियो में तो सैमसंग की ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है। मिड रेंज स्मार्टफोन से लेकर प्रीमियम स्मार्टफोन हो गए, फ्लैक्सिप स्मार्टफोन्स हो गए, सभी जगह यहाँ पर सैमसंग जो है ना सभी सेगमेंट पर अपनी जगह बनाए बैठा है और इसकी ब्रांड वैल्यू जो वाकई में बहुत हाई फाई है दूसरी कंपनी से लेकर। तो ऐसे में क्या सैमसंग जो है ना अपने फ़ोन जो है ना फीचर्स के दम पर बेच रहा है या फिर अपने नाम के दम पर बेच रहा है, ब्रांड वैल्यू के दम पर बेच रहा है? तो ऐसे में मैं एक और कंपनी मेरे नज़र में आ रही है, शाओमी की भी जो ब्रांड वैल्यू है वो अच्छी है लेकिन सैमसंग के सामने वो अभी भी कहीं नहीं टिकता है। कैसे नहीं टिकता है? आज हम दो फ़ोन ले रहे हैं, दोनों ही कंपनियों के एक एक फ़ोन लूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ लिया है सैमसंग का गैलेक्सी A51, जो पिछले कुछ दिनों पहले ये फ़ोन इंडिया में नंबर वन बिकने वाला फ़ोन बना था, सबसे ज़्यादा यूनिट इस फ़ोन के बेचे गए थे। और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं शाओमी का रेडमी K20 Pro, शाओमी की तरफ से लॉन्च किया गया ये फ्लैक्सी फ़ोन था, एक पिछले साल ये फ़ोन लॉन्च किया गया था। दोनों ही फ़ोन की कीमत बराबर है लेकिन इन दोनों ही फ़ोन में कुछ भी बराबर नहीं है, फिर चाहे वो डिज़ाइन हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो या फिर प्रोटेक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पर सेम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सैमसंग गैलेक्सी A51 में यहाँ पर जो है ना नॉक सिक्योरिटी तब दी गई हो, वो भी ऐसा नहीं है। तो ऐसे में हम चाहे यहाँ पर चिपसेट की बात कर लें, प्रोसेसर की बात कर लें, तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A51 में, M51 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिए, A51 में जो है ना एक्जिनोस 9611 चिपसेट दिया गया है। दूसरी तरफ यहाँ रेडमी K20 Pro में जो है ना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट दिया गया है। अगर इन दोनों चिपसेट्स को कंपेयर किया जाए तो ये जो सैमसंग का एक्जिनोस 9611 चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 855 के सामने कहीं नहीं टिकता है, दूर दूर तक नहीं टिकता है। 855 जो है ना एक फ्लैक्सिप प्रोसेसर है और इसको यूज करते समय आपको स्मार्टफोन्स में किसी भी तरह की कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है, ये याद रखिए। तो चिपसेट जो है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है रेडमी K20 Pro का उतनी ही कीमत में। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की। देखिए यहाँ पर बैटरी 4000 mAh की दोनों ही फ़ोन्स में दी गई है लेकिन हमको Redmi K20 Pro में 30W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पर हमको 15W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरफ हमको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, इसके अलावा हमको यहाँ पर Redmi K20 Pro में अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.1 मिल जाता है, जबकि यहाँ पर EMMC टाइप का जो स्टोरेज दिया गया है तो स्टोरेज में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की। देखिए लुक वाइज जो है ना Redmi K20 Pro बहुत आगे निकल जाता है। पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, बैक साइड में ग्लास दिया गया है, ग्लास फिनिश नहीं, ग्लास दिया गया है। तो ऐसे में और दोनों ही तरफ यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है Redmi K20 Pro में, और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A51 में डिस्प्ले साइड में शायद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है लेकिन बैक साइड में यहाँ पर किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिलती क्योंकि प्लास्टिक कवर दिया गया है। यानी कि लुक वाइज ये जो फ़ोन है ना Redmi K20 Pro बहुत ज़्यादा प्रीमियम है और सैमसंग गैलेक्सी A51 इसके सामने कहीं नहीं टिकता है। कैमरे की बात कर लें तो वाकई में डेफिनेटली यहाँ पर देखा जाता है तो जो सैमसंग के जो कैमरा होता है ना वो वाकई में अच्छा होता है लेकिन इस फ़ोन में जो है ना सैमसंग गैलेक्सी A51 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है F2.2 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर Redmi K20 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है
f1.75 अपर्चर के साथ में। तो देखा जाए तो यहाँ पर इस फ़ोन की बात करें तो फोटोग्राफी के मामले में भी यहाँ पर जो Redmi K20 Pro है वो आगे निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर चाहे बात हो डिज़ाइन की, चाहे बात हो परफॉर्मेंस की, चाहे बात हो फोटोग्राफी की, चाहे बात हो पावर की, बैटरी की, फास्ट चार्जिंग की, हर मामले में यहाँ पर Redmi K20 Pro इस फ़ोन से बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन यूनिट सबसे ज़्यादा बिके किस फ़ोन के? गैलेक्सी A51 के। क्यों? क्योंकि फीचर्स भले ही इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा कम हैं, बौना दिखता है Redmi K20 Pro के सामने ये वाला फ़ोन Samsung Galaxy A51, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिट बिके हैं Samsung Galaxy A51 के। क्योंकि यहाँ पर इस फ़ोन पर नाम लिखा हुआ है Samsung का, और Samsung की ब्रांड वैल्यू हम सभी जानते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जब आप अगली बार स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आप फीचर्स को देखकर खरीदेंगे या फिर ब्रांड वैल्यू को देखकर खरीदेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।